1924 अगस्त के दिन ब्रे वाइट को हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई, जहां पर स्मैकडाउन के एपिसोड में सभी WWE के सुपरस्टार ब्रे वाइट के इस दुनिया से जाने के बाद अपना शोक जताया। लेकिन ट्राइबल चीफ ब्रे वाइट के मौत के बाद अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। WWE के सभी फैंस को ऐसा लग रहा है कि ब्रे वाइट के मरने के बाद रोमन रेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रे वाइट WWE में सबसे खतरनाक रोल को प्ले करने वाले रेसलर थे। उनके चेहरे को देखकर काफी सारे रेसलर बिना लड़े ही रिंग छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन ब्रे वाइट ने कभी भी किसी भी रेसलर के साथ बैक स्टेज में लड़ाई नहीं करी। वो रिंग में भले ही रोमन रेंस के साथ जानी दुश्मन की तरह लड़ाई करते हो, लेकिन WWE के बाहर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे। ब्रे वाइट के इस दुनिया से जाने के बाद रोमन रेंस ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा, जिससे WWE फैंस को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस के अंदर घमंड आ गया। उन्हें ब्रे वाइट की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस ब्रे वाइट के बहुत ही करीबी दोस्त थे और ब्रे वाइट के इस दुनिया से जाने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। रोमन रेंस अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं और ऐसे समय में किसी को भी अपना रिएक्शन दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है।